लीनस क्लब कैथल की महिलाएं समाज हित में लगातार अपना सहयोग दे रही है। इसी कड़ी में आज अंबाला रोड पर अंबेडकर कॉलेज के पास क्लब द्वारा बनाए गए एक शेड का शुभारंभ किया, जिस पर करीब 1 लाख के आसपास राशि खर्च की गई। आपको बता दें कि इस क्लब की महिलाएं अपनी निजी कोष से पैसे इकट्ठा करके समाज हित में इस तरह से काम करती है। इस मौके पर स्पेशल गेस्ट पार्षद रोहन मित्तल पहुंचे। आइए सुनते हैं क्या बोली क्लब की महिलाएं व चीफ गेस्ट। मैं लीनस रितु गोयल हूं और पद मेरा है कि मैं सेक्रेटरी हूं दिशा क्लब की। जी, आज क्या कुछ प्रोग्राम था जी? हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने ये शेड बनवाया है। हम बच्चों को आते जाते देखते थे, जब भी अंबाला जाते थे या वापस आते थे तो बच्चों को देखते थे। यहाँ पर बारिश में लड़कियाँ लड़के सब भीग रहे होते थे कई बार ना, तो फिर हमें लगा कि शायद हम शेड बनवा देंगे तो बच्चे एटलीस्ट इसके नीचे खड़े तो हो ही सकते हैं ना, बस इसके इंतज़ार में, ऑटो के इंतज़ार में। जी, तो इसलिए हमने ये शेड बनवाया। सारे क्लब ने मिलके पैसे इकट्ठे किए और ये शेड बनवाया। तो कितनी कॉस्टिंग आई इसका? इसकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का आसपास। हाँ, तो आपके क्लब की बात करें, किस तरह के कार्य आपके क्लब करता रहता है, कितना पुराना आपका क्लब? हमारा क्लब ओजस्विनी तो रिसेंटली बना है, मतलब जो 2.5-3 साल हुए होंगे मैडम, 4 साल हो गए, 4 साल से बना है जी। किस तरह के कार्य रहते हैं आपके यहाँ? सोशल वर्क सारे के सारे। कभी बच्चों को यूनिफॉर्म्स चाहिए हो तो हम वो दे आते हैं। किसी बच्चे को मतलब क्लब बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं तो वो हम डोनेट कर देते हैं किसी स्कूल में। ऐसे ही छोटे छोटे काम करते रहते हैं जी। तो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे पास? हमारी जो मेंबर्स हैं वो 28 हैं। 28 और महिलाएं जुड़ना चाहें, किस तरह क्या कुछ आपका परफॉर्मा रहता है, किस तरह के नियम शर्तें रहती हैं आपकी? ऐसा है हमारा, एक तो फीस है उसकी, मतलब जैसे किसी ने अगर मेंबरशिप लेनी हो तो थोड़ी सी मेंबरशिप फीस है, वो हमारी सिर्फ 1000 रुपये है और 500 रुपये हम महीने हर लेडीज से इकट्ठा करते हैं। हाँ, उसी से हम चैरिटी करते हैं। प्लान तो इसको मेंटेन रखेंगे, सबसे पहले तो इसको मेंटेन रखना हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफर रहेगी। बाकी हम छोटे मोटे काम तो हमारे चलता ही रहता है, हम महीने में 2-3 एक्टिविटी, 4 भी हो जाती है, हम करते रहते हैं। हमारे आसमा स्कूल है जैसे, वो बहुत गरीब बच्चे हैं वहाँ तो हमारी एक्टिविटी अक्सर चलती ही रहती है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट तो हमारे मोस्टली चलते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं एक मंथ तो काज इस तरह से महिलाएं आपस में मिल भी लेती हैं और इस तरह के? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंथली हम इकट्ठे होते हैं, समझो अपनी गेट टुगेदर करते हैं, तो जो 500 रुपये चैरिटी का इकट्ठे करते हैं उसी से हम सारी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी कलेक्शन से ही हम करते हैं जी। तो आज चीफ गेस्ट रोहन मित्तल जी बुलाए हैं आपने? रोहन मित्तल जी आज हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। रोहन मित्तल जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, ये बेंचेस इन्होंने अरेंज करके दिए हैं और आकर स्पेशली रखवा कर गए हैं, सबसे बड़ी बात ये है जी। रोहन जी क्या कहोगे, जिस तरह से इन महिलाओं ने, इनके क्लब ने ये शेड तो बनवा दिया लेकिन बेंचेज आपने रखवाए हैं यहाँ, और मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं? सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैंने कुछ नहीं कराया, सब कुछ इन्होंने ही किया है और ये सारी मेरी माताएं हैं। और जो लीनस क्लब द्वारा ये रूटीन में आयोजन किए जाते हैं ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं कहीं कई कार्यक्रमों में आ चुका हूँ, जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम था कुछ समय पहले हुड्डा में, वहाँ पर मैं आया था, यहाँ आज इन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, ये कार्यक्रम 9 तारीख को था तो मुझे जयपुर जाना था शादी में, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की भाई मैं 9 तारीख को नहीं आ पाऊँगा, तो इन्होंने तुरंत कार्यक्रम चेंज करके 12 तारीख का किया। तो बोले कहते भी आप नहीं आओगे तो हम नहीं करेंगे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये मातृशक्ति सारे आप देख रहे हो, मतलब ये शहर की जो क्रीम लेडीज़ होती है ये इस क्लब में वो जुड़ी हुई हैं और ये अपने परिवार के अलावा इतना समय निकाल कर समाज के लिए जो कार्य करते हैं रूटीन में, बहुत शानदार, स्पीचलेस है। ये समाज हित में बहुत बड़ा काम हुआ है और ये जो सबसे चलती सड़क है और अपना अंबेडकर कॉलेज है, यहाँ पर मैं भी रूटीन में देखता था पर ऐसी कभी दिमाग में आई नहीं भाई हम करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और गांव के बच्चे या शहर के बच्चे जो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। और अभी यहाँ पर एक डिमांड हो रही है, अभी यहाँ बसेज नहीं रुकती, हम अपने पूर्व विधायक हैं जो हमारे वही हैं विधायक मेन तो सही, लीला राम जी हैं, चेयरमैन हैं सुरभि गर्ग जी हैं और हमारे जीएम के
के रेड रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उनके सामने बात रखेंगे और यहाँ पर बसों को रुकवाने का काम करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट ओजस्वनी वीना गोयल जी। हमारा ये लिनस क्लब है जो बहुत सालों से चल रहा है, जिसके पैटर्न आज इंदू जी हमारे साथ हैं और ये कैथल दिशा वालों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य करा। तो इन्होंने सोचा कि ये शेल्टर बनवाएं बच्चों के लिए सोचा और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के प्रिंसिपल प्रिंसिपल से मिलके और सबसे मिलके ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि एक ये भी काम है, तो हमारे दिमाग में नहीं आता ये काम कि हम ये करें, इनके दिमाग में आया, इन्होंने किया, बहुत अच्छा कार्य किया। धन्यवाद। आप तो देखें जैसे महिलाओं के क्लब हैं, आपको बच्चों को किताबें बांट दी, आपस में वृक्षारोपण करवा दी, इस तरह के काम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस तरह की कोई किसी क्लब की आप लोगों ने किया ये ना उसके उसमें मेरे को सुनाई नहीं पड़ा कि क्या बोला। आमतौर पर जो महिलाओं के क्लब हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, वो बच्चों को बुके बांट दिया कुछ और छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जिस तरह से आपके क्लब ने ये सोच विकसित की है कि यहाँ सेट बनना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं? ये बहुत ही सराहनीय काम है, इसके लिए तो इनको मतलब क्लैपिंग है। बहुत मतलब नहीं सोचते, बहुत कम सोचते हैं जो इन्होंने सोचा, हमारे भी कभी दिमाग में नहीं आता ये, क्योंकि हम जाते हैं स्कूल में जाते हैं अंदर जाते हैं किताबें बांट दी कुछ भी बांट दी, हम बाहर सड़क पे नहीं देखते वहाँ पे शेल्टर है या नहीं है, और जो इन्होंने सोचा इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया और आज आके हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जी मेरा नाम इंदू मेहता है, ये हमारी लिनस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच है, एक डिस्ट्रिक्ट है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ऑल इंडिया के लेवल पे है इसका, और हम लोगों पूरे इंडिया में इस तरीके की सर्विस ओरिएंटेड हैं, तो हर किस्म की सर्विस करते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े, जैसे अभी इन लोगों ने आपको बताया, कोई ऑर्फनेजेस हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, कोई कैंसर का है, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है हम लोगों का, और ऑल ओवर इंडिया मतलब सारे 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 8000 मेंबर्स हैं, अराउंड 450 क्लब्स हैं, तो उसमें सारे इंडिया में मिल करके करते हैं। एक ये हमारी जो क्लब है इसमें ये प्रेसिडेंट हैं इस क्लब में अपने, हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट ओजस्विनी जिसका नाम हमने दिया हुआ है इसमें ही 22 क्लब हो गए हैं, 22 क्लब हैं टोटल, तो ये वन ऑफ द क्लब है और ये इसने इतना ये मतलब अपने डेडिकेटेड वर्क किया है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स फॉर एवरीबडी कमिंग एंड गोइंग, कोई राहगीर हो कोई भी आता जाता है यहाँ रुक सकता है बैठ सकता है, कोई धूप में ही चलता चला जा रहा है वो भी थोड़ी देर यहाँ बेंचेस के ऊपर बैठ के सुस्ता सकता है। जी तो जो काम होते हैं आपके क्लब के, ये महिलाएं जैसे कैथल की बात करें तो आपसे डिस्कस करते हैं कि इस तरह का काम हम करना चाहते हैं, उसके बाद आप बताते होंगे कि ये करना है नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये इनकी इंडिविजुअल है और इन लोगों ने अपने आप ही जो भी मतलब मानव के लिए जो भी ह्यूमैनिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे जहाँ इनके व्हेन दे कम अक्रॉस सम नीडी प्लेस सम नीडी सिचुएशन, तो ये लोग वैसे करते रहते हैं। जैसे किसी को भी हाँ आप बताइए जी नाम और जी। मैं लिनस प्रेसिडेंट सुनीता सिंगला। क्या कहोगे कैथल में बच्चों के लिए आप लोगों ने आपके क्लब ने ये सेट बनवा दिया? हाँ जी, ये तो हमारा काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे ये बनवाने की, लेकिन अब की बार हम बनवाने में सफल रहे। ये तो कई स्कूलों में इस तरह की दिक्कत है या पढ़ाई में भी दिक्कत है, बच्चों को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, अगर बच्चे आपसे संपर्क करना चाहें या कोई ऐसी समस्या आपके संज्ञान में आती है तो वहाँ भी आप इस तरह का काम करने के लिए? हाँ जी, हम करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने 2-3 स्कूल अडोप्ट किए हुए हैं, उनको हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बुक्स हो गए जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे आते हैं, ड्रेसेस वगैरह देते हैं उनको और बुक्स वगैरह दे देते हैं जिस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है, पानी की बॉटल्स हैं इस टाइप से। हाँ जी, जैसे लड़कियों की गरीब लड़कियों की मैरिजेज हैं इस टाइप का। हाँ जी, जिधर भी हमें लगे ना तो हम करते ही रहते हैं, करते हैं गरीब बच्चों के लिए। जी, तो अगला टारगेट क्या है आपका? अब तो जैसे सेट तो आपने बनवा दिया इसके आगे? हाँ जी, अभी हमने इधर स्वेटर और सॉक्स वगैरह देनी है जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया। हाँ जी, ये हमारा 14 नवम्बर का है।
मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार भांबू है, मैं प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज का जी। तो क्या और महिलाओं के क्लब में आपके खास बात ये है कि मैं तो काफ़ी सारे लोगों से ट्राई कर रहा था कि भाई यहाँ पे कोई बच्चों के लिए ये इस तरह का शेड बने, लेकिन अच्छी बात ये है लाइनेस क्लब की जो ये महिलाएं हैं ये खुद हमारे कॉलेज में आई और उन्होंने कहा जी हम बच्चों को यहाँ खड़े देखते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि वो बारिश में धूप में वो खड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे ये जो मतलब एक शेड बनाना चाहते हैं जिससे कि बच्चे थोड़ा सा तो छाया में या बारिश से बच पाए, इस तरह की सिचुएशन हो पाए जी। और इन्होंने ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर सा ये बना दिया है शेड, तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को यहाँ खड़े होने में आराम कुछ तो आराम दे पाएगा, और जो बाकी की ये जो जगह है ये हमने थोड़ी ठीक करवा दी है और यहाँ पेड़ भी लगवा दिए, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छे पेड़ हो जाएंगे तो बच्चे उनकी छाया में भी खड़े हो सकते हैं जी। सर हमने बच्चों से भी बातचीत की और आते जाते देखते भी हैं, यहाँ बसेज की काफ़ी प्रॉब्लम है जो बस आती हैं यहाँ, विशेष तौर पर जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ से लेकर और जो चौंका वहाँ तक पैदल जाती हैं। हाँ यहाँ तो आपकी तरफ से क्या कुछ इस तरह का संज्ञान मिल रहा है? यहाँ सुबह तो दो बसें आती है जो बच्चों को छोड़ने कॉलेज में आती हैं जी, लेकिन हमने कई बारी रोडवेज के अधिकारियों से कोशिश की है कि वो शाम को भी बसें यहाँ पर रुके या बसें उनको जैसे छोड़ने आती है वैसे लेने भी आए, लेकिन शायद उनके पास बसों की कुछ कमी है तो वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और पहले यहाँ एक रोडवेज का कर्मचारी आता था 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो यहाँ रुकता था और दूर से आने वाली बसों को रुकवाता था जी। अब शायद वो कर्मचारी उनके रिटायर हो गए हैं तो इसका अल्टरनेट प्रबंध हम कोई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज ये MT साहब ने जैसे हमें आश्वासन भी दिया है जी। कि हम रोडवेज के अधिकारियों से बातचीत करके और बसों को रुकवाने का प्रबंध करेंगे तो शायद बच्चों के लिए थोड़ा सा आराम हो जाए जी। अब तो सरकार ने लड़के लड़कियों के लिए सभी के लिए जो बस पास है वो फ्री कर दिया, तो शायद हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आ पाएँ जी। तो सर अगर हम अधिकारियों से बातचीत करें इस बारे में बसों की समस्या को लेकर, तो आप बता सकते हो कितनी के बसों की रिक्वायरमेंट है यहाँ? जैसे हमारे पास 1200 बच्चे हैं जिनमें से सिर्फ 200 बच्चे हैं जो अपने साधनों पे आते हैं, बाकी जो 1000 के करीब बच्चे हैं वो बसों के थ्रू ही आते हैं, और कई बार तो बसों की उपलब्धता पूरी ना होने के कारण कुछ बच्चे हमें ये परेशानी भी बताते हैं कि जी वो आ नहीं सकते हैं रेगुलर। एक दो हो गया था, हमें याद है यहाँ ट्रेन के पास कॉलेज से बच्चे जा रहे थे किसी टेम्पो वगैरह में जा रहे थे, टेम्पो भी पड़ गया, वो तो मुझे संज्ञान नहीं है मुझे। आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा इस तरह का? बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं जी हम तो।